मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। शरारती तत्वों द्वारा वसूली का कथित पर्चा वायरल कर जाजमऊ चौकी प्रभारी की छवि धूमिल करने का प्रयास। बीती रात वसूलों की लिस्ट का एक कथित पर्चा चंद मिनटों में ही देखते देखते वायरल हो गया। वसूली का कथित पर्चा वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कथित पर्चे में क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री, अवैध भट्टी, जानवरों की कटान व जुए की फड़ की वसूली का जिक्र है। कथित पर्चे में 7 बिंदुओं में वसूली का है पूरा लेखा जोखा। कथित पर्चे में लिखा है कि फाजिल अशरफ नाम का शख्स वसूली का सारा पैसा जाजमऊ चौकी इंचार्ज सुखराम रावत को देता है। वहीं फाजिल ने सामने आकर कथित पर्चे को वायरल करने की वजह उनकी व चौकी प्रभारी की छवि को धूमिल करने की साजिश बताई। वहीं फाजिल का कहना है कि पर्चे में मेरा नाम है तो निष्पक्ष जांच की जाए, यदि मैं दोषी हूं तो कार्रवाई हो, अन्यथा पर्चा वायरल करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वसूली का कथित पर्चा वायरल होने के बाद एडिशनल कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच ACP कैंट मृगांक से पाठक को दी गई है। मामले की जांच आजकल में करके जो भी होगा, जैसा भी होगा, सही या गलत, उस पर कार्यवाही होगी। यदि यह पर्चा सही पाया गया तो उसके अनुरूप कार्यवाही होगी, यदि गलत पाया गया तो एक बार फिर विचार करके उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम फाजिल अशरफ है और आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने पुलिस को देखा कि एक पर्चा वायरल हो रहा है। उस पर्चे में जो है ये लिखा हुआ है कि जाजमऊ ये पर्चा है, इसको आप देख लें। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो है ये पर्चा वायरल किया गया है और इससे जो है हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश करी गई है और साथ ही साथ हमारे जाजमऊ चौकी इंचार्ज साहब की भी छवि को ख़राब करने की करी गई है, क्योंकि उनका गुड वर्क बहुत अच्छा रहा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो ये शरारती तत्व हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। पर्चे में ऐसा क्या था जो इतनी जल्दी वायरल हो गया? पर्चे पे जो भी है उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम और ये कुछ शरारती तत्वों का काम है। मैं तो प्रशासन से सिर्फ यही मांग करूंगा कि इसकी इस पर जांच करी जाए। और आज तक की मेरा ये इतिहास रहा है, मेरे नाम की एक एप्लीकेशन भी नहीं, मुकदमा तो छोड़ दिए, मेरे नाम की एक एप्लीकेशन भी नहीं। आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार जो है चमड़े का है। मैं अपना व्यापार करता हूँ, रेलियों से जो है माल खरीदता हूँ, बेचता हूँ। चकेही क्षेत्र में पर्चा वायरल हो रहा है जाजमऊ चौकी का, बताया जा रहा है वसूली का पर्चा, जब पूरा रेड लिस्ट लिखा हुआ, कौन अपराधी कितना पैसा देता है। सामाजिक माध्यम पे जैसे ही इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा, हमने इमीडिएट हमारे CO कैंट मृगांक शेखर पाठक, जो कि वहाँ पे अभी CO के चार्ज पे, ACP के चार्ज पे हैं, उनको हमने तत्काल पूरे मामले को एग्जामिन करने के लिए दिया है। और ये पूरा एग्जामिनेशन आज कल में करके इस पे जो भी होगा, जैसा भी होगा, सही उस पे कार्रवाई होगी। अगर ये पर्चा सही पाया गया तो उसके अनुरूप कार्रवाई हुई और गलत हुआ तो एक बार फिर से विचार करके उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। हमने इसे पूरी गंभीरता से लिया है और हमने अपने बेहतरीन अधिकारी को जांच के लिए दिया है। क्योंकि दाऊद अख्तर जो और जो पैसा वसूली करके देता है, जो चिट्ठी में नाम लिखा था, उसमें भी कई गैंगस्टरों का नाम भी शामिल नहीं? हमने सारी इन्फॉर्मेशन को देखा है और हमने पूरे पूरे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को समग्रता से जांच के लिए दिया है, तो हम उसके हर एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई कराएंगे।